हेलो गाइस, तो आज एक नए ब्लॉग में फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और सुबह हो चुका है। जो तो अभी मालिक आ रहे हैं, जो है फैक्ट्री के ऑनर हैं, वो लेने आ रहे हैं मुझे जो है। तो यहाँ से जाऊँगा फिर फैक्ट्री में जो है, जहाँ पे हम काम के लिए आए थे जो है। वहाँ फिलहाल तो काम तो कम्प्लीट हो चुका है, तो आज मुझे रिटर्न भी करना है कोलकाता के लिए। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं, और क्योंकि वो आने वाली है थोड़ी देर में, तो आज होटल भी चेकआउट करना पड़ेगा, तो चेकआउट भी कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से फैक्ट्री। फैक्ट्री से जो है कि डायरेक्ट निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए। और गाइस देखेंगे तो यहाँ पर मैं अभी होटल के बाहर निकल के आया हूँ, और ये पहाड़ देखेंगे। ये देखिए होटल के बाहर ही है जो है। एक्चुअली मैं अभी साइड में जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है कल रात से जो है। और अभी जो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो आने वाले हैं, वो अभी मैं वेट करूँगा, इसके बाद निकलता हूँ कंपनी की तरफ। और आज जाने की बात है घर, रिटर्न जो है कोलकाता के लिए। देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल टिकट मिला नहीं है अपने हाथ में, देखते हैं क्या हो रहा है। ये पहाड़, ये सीनरी पूरा बहुत मज़ा है। ये पहाड़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने, देखेंगे इधर सब पहाड़ है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से रोड, ये पहाड़ कट कट के यहाँ पे घर बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। बस सारी तरफ जो है कि देखेंगे तो पहाड़। एक्चुअली ये वाला आसाम में पड़ता है, ये जो रास्ता देख रहे हैं अभी ये आसाम में पड़ता है, और वो पहाड़ देख रहे हैं जो है ये मेघालय में पड़ जाता है। मतलब रास्ता के उस पर मेघालय है और ये आसाम पड़ता है, ठीक है। तो उधर मेघालय शिलोंग वगैरह जो है, तो हम लोग बॉर्डर से ही थोड़ा कुछ दूर पे हैं जो है, शिलोंग और आसाम के बॉर्डर में, मेघालय और आसाम के बॉर्डर पे। सो गाइस, तो फाइनली जो कि अभी फैक्ट्री में आए, एक्चुअली सुबह से आए नहीं थे जो है, अभी होटल में ही थे हम जो है। और काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेघालय का जो है कि यहाँ पे वेदर अभी देखेंगे तो ठंडा है, और यहाँ कब मौसम चेंज होता है कुछ पता नहीं चलता, कभी धूप हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। तो ये फैक्ट्री है जो है, जिस फैक्ट्री में मैं आया था जो है काम करने के लिए, एक्चुअली इन लोगों का ऑटोमेशन का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से तो मैं आया हूँ। और ये पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत काफ़ी पहाड़ जो है नज़र आ रहे होंगे, और इससे पहले भी मैंने रास्ते में दिखाया आप लोगों को। चलिए अंदर की चीज़ें कुछ दिखाऊँगा मैं आप लोगों को, देख लीजिएगा उसको। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ भी एक फैक्ट्री के अंदर हूँ, देख सकते हैं आप जो है। और यहाँ पे जिस फैक्ट्री में आया था, ऑटोमेशन के बारे में बात किया था, जो पैनल भी दिखाया था एक वीडियो में आपको। और यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लाईवुड, ये मेरी सब सारी मशीनें यहाँ पे जो जितनी भी मशीनें लगी हुई हैं प्लाईवुड से रिलेटेड जो है, वो हमारी कंपनी की हैं। और ये देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये फ्लाई रोड बन रहा है, जो दरवाज़ा वगैरह बनता है ना प्लाई से, देखेंगे आप दरवाज़ा मार्केट में मिलता होगा आपके, वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये देखिए, ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें फिनिशिंग करने के लिए बाकी है, बट जो है यहाँ पे पेस्टिंग का जो काम है वाले प्रेस में जो दिखाई दे रहा है, जिस प्रेस का काम ऑटोमेशन करने के लिए मैं आया था, वहाँ पे जो है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ये सारी प्लाईवुड है, यहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं, ये काफ़ी प्लाईवुड यहाँ पे भरा हुआ है। बट जो है कि यहाँ पे पेस्टिंग के बारे में दिखाऊंगा, ये छोटा सा मशीन देख रहे हैं आप जो है, इसको ग्लू मिक्सर बोलते हैं। यहाँ पे ग्लू को बनाया जाता है, जो प्लाई में चिपकाने के लिए जो आटा होता है हल्का, और इसके बाद ये ग्लू स्प्रेडर है, यहाँ पे जो है कि इसको पेस्टिंग करके इस तरीके से, देखिए ये तो फ्लश डोर बन रहा है, एक्चुअली काट के ऊपर फिर पेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। प्लाई बनता है तो कोर की वजह से जो है कि कोर का लेयर जो है बड़ा बड़ा के जो है, थिकनेस की कौन सी प्लाई कितनी है, 18 mm की होगी, 6 mm का, 8 mm का, जो भी है सारी चीज़ें। ये है हॉट प्रेस, इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अभी देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी पेस्टिंग हो रखा है जो है। और ये ऑटोमेटिक जो है कि सारी चीज़ें, रिप्रेसर सब कुछ जो है कि चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैनल देखेंगे तो यहाँ पे इस पैनल में ही ये मैं काम करने के लिए आया था। एक्चुअली यहाँ पे कुछ एरर आ रहे थे जो है, जहाँ पे आपको पीएलसी में देखेंगे तो, पीएलसी के बारे में जितने लोग जानते हैं वो लोग को पता होगा, यहाँ पे एरर की वजह से जो है कि इन लोग कह रहे थे कि थोड़ा मटेरियल हम लोगों का ख़राब हो जा रहा है, टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से। अभी तो देख रहा हूँ कोई फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे जो है कि ये कम्प्लीटली जो है कि बिल्कुल चल रहा है सही से जो है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से सजाया जाता है इसको, ठीक है, ये कोर बोलते हैं इसको, और विनियर जो है ये इसको इस तरीके से सजाया जाता है। सजाने के बाद ये यहाँ से जो है कि ये देखिए कटिंग कर रहा है यहाँ से, और कटिंग करने के बाद ये ग्लू स्प्रेडर में दिया जाता है जो है, ग्लू स्प्रेडर से जो है कि आटा वगैरह लगाया जाता है, लगाने के बाद इसके ऊपर जो है कि इस तरीके से पेस्टिंग की जाती है, और पेस्टिंग कम्प्लीट करने के बाद इसके ऊपर और कई लेयर लगेंगे, लगने के बाद जो कि ये डायरेक्ट चला जाता है इसे हॉट प्रेस में, और यहाँ पे इंट्री डालेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये पेस्टिंग था और ये निकल चुका है, यहाँ से ये लोग अनलोड करेंगे इसको। अनलोड करने के बाद जो है कि देखेंगे तो इस तरीके का मटेरियल तैयार होकर निकलता है जब पेस्टिंग के बाद, और यहाँ पे इस तरीके से पूरा एकदम कम्प्लीटली हो जाता है। बट जो है कि इसमें बहुत अभी काम बाकी हैं, जैसे मान लीजिए ये कम्प्लीट हो जाता है, कम्प्लीट होने के बाद क्या करते हैं इसको, देखिए फिनिश इसके ऊपर एक फेस लगाया जाता है, तभी जाके इस तरीके का नज़र आता है। ये देखिए लड़का लेके आ रहा है, ये काफ़ी मोटा है, और ये दरवाजे का ही है सब, फ्लश डोर वगैरह ये। तो ये है मशीन रिशो, जिसको साइड से जो कटिंग होता है ना, साइड कटिंग, ये अभी चार वगैरह इसमें दिखाई दे रहा होगा, मगर एक
उसके बाद कटिंग के बाद जो है ये देखेंगे तो यहाँ पे सेंडिंग मशीन इसको बोलते हैं, और ये यहाँ से पॉलिश किया जाता है, प्लाई को जो है कि पॉलिश किया जाता है, ये भी ऑटोमेटिक है बिल्कुल। और यहाँ से सिर्फ डालेंगे, उधर बाद भाई सेटिंग जो है कि ऑटोमेशन में ही आता है। ये चीज़ें हो गई, उसके बाद पॉलिश होने के बाद इस तरीके से निकल के आता है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये सामने मशीन दिखाई दे रहा है डिपिंग, जिसमें प्लाईवुड का जो कलर होता है उसको कलरिंग करने के लिए ये डिपिंग मशीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, होने के बाद जो है कि देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नाम जो प्लाईवुड के ऊपर आप देखते होंगे कंपनी का नाम वगैरह, जिस कंपनी का अप्लाई होता है। एक्चुअली कंपनियों में क्या होता है, हर एक जगह प्रोडक्शन करवाते हैं दूसरी दूसरी कंपनी से, मगर अपना नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पे नाम वगैरह उसी तरीके से देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक कुछ प्रिंटिंग बना हुआ है, जिससे प्रिंटिंग से जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से नाम अपना लिख के जो है स्टिकर वगैरह। तो गाइज यहाँ पे मेरा आने का मकसद यही था जो है, यहाँ पे प्लाईवुड कैसे बना सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, किस तरीके से क्या प्रोसेस से जो है कि यहाँ पे काम होता है आप सबको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। बट मैं जो आया था, मैं एक्चुअली आज निकलने वाला भी हूँ, आज की मेरी फ्लाइट है शाम को जो है, और ये पैनल है, ठीक है, ये पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल समझ सकते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका PLC, और PLC में जो प्रोग्रामिंग होता है और ऑटोमेशन से जो है कि ये मशीन चलती है, जो ये हॉट प्रेस है, और पीछे की तरफ अगर देखेंगे इससे पावर पैक होता है, तो ये ऑटोमेशन में चलता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है कि चलता है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, जो प्रोग्रामिंग होता है PLC ड्राइव, ये सब जो चीज़ें जानते होंगे आप लोग ऑटोमेशन को क्या कहते हैं, तो वो लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मेरे साथ रिजवान भी आया था, रिजवान एक्चुअली निकल गया है, और क्योंकि उसका ईद था जो है, इसकी वजह से उसको छोड़ दिया मैं, और मैं 2-3 दिन देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी दिनों से हम मटेरियल ख़राब हो जा रहे हैं बाहर कुछ भी, तो हमारे कंपनी में जो है इनका कंप्लेन किया हुआ था, तो वहाँ से जो कि मैं आया और तो देखा कुछ है नहीं, थोड़ा सा माइनर पॉइंट था जो है, तो थोड़ी सी चेंजिंग किया, और बदबागी अभी जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आइए दोस्तों, तो आज मैं घर निकलने वाला हूँ कोलकाता के लिए, तो शाम को फ्लाइट है, उसका वीडियो एक्चुअली देखिए एयरपोर्ट का पहले भी बना चुका हूँ, अब इसका वीडियो अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं है जो है। फाइनली गाइज यहाँ पे हो गया है शाम जो है, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ डायरेक्ट जो है, ये गाड़ी आ चुकी है मेरी जो है, और यहाँ से निकलूँगा जो है डायरेक्ट एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधा पहुँचूँगा भाई कोलकाता एयरपोर्ट, और वहाँ से पहुँचूँगा अपने घर। बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चलिए।